हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज की, सीए फाइनल ऑडिट। दोनों ही ओल्ड और न्यू कोर्स में ये चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग कंपनीज। और विद दिस वीडियो हम ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज की 5 वीडियोस कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब 5 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज के इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 4 वीडियोस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। सारी वीडियोस देखो, निमोनिक्स के थ्रू आंसर प्रिपेयर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा। तो आज जो हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज में, जिस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर ही है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। कुछ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं बैंकिंग कंपनीज़ की, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है अब हम देखेंगे, इसे निमोनिक के थ्रू लर्न करेंगे। ये जस्ट मैं आपको अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये 2 बार पूछा हुआ एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ऑल दो इसके आगे अटेम्प्ट नहीं लिखा है, बट ये 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे निमोनिक के थ्रू हम रेडी करते हैं। आई होप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज बोथ ओल्ड एंड न्यू कोर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। ये 2 अटेम्प्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका निमोनिक है अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब जो क्वेश्चन है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, वही निमोनिक है अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, मैंने लिखा है। तो आ जाओ एक बार देखते हैं क्या क्या है। जो ए है अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में, ए इज़ एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। जो भी बैंक ने एक्सेप्टेंसेस ले रखी हैं, एंडोर्समेंट्स कर रखी हैं और जो अदर ऑब्लिगेशन है, वो बैंक की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं और उसका डिस्क्लोजर बैंक को करना होगा। क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट। ये तो सबकी ही कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है। कोई भी क्लेम जिसे हम अभी तक डेट एक्नॉलेज नहीं करते, तो हम कॉन्टिजेंटली लाइबल हैं उसको पे करने के लिए। तो ये सी से हो गया हमारा, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट। जी से आता है नेक्स्ट हमारा, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। हमने अगर गारंटी दी है तो हम उसके लिए कॉन्टिजेंटली लाइबल होंगे। नेक्स्ट आता है एल, लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। जो भी पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स है उसकी लाइबिलिटी हमारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। नेक्स्ट एल, एल से 2 हैं, अ सी जी एल, एल से 2 हैं। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं, तो उसकी लाइबिलिटी भी हमारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। रेट्स वगैरह इधर उधर होते हैं, लॉस हो जाता है, तो उस वजह से वो भी एक लाइबिलिटी है और वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। अदर आइटम्स, ये निमोनिक के अंदर नहीं है। अ सी जी एल से आप 1, 2, 3, 4, 5.5 कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज याद कर सकते हो। ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट में कुछ नहीं है। अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिजेंटली लाइबल, कुछ और आइटम जिसके लिए बैंक कॉन्टिजेंटली लाइबल हो सकता है, वो भी बैंक की क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की। अब हम एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, क्या हम निमोनिक से क्रैक कर पाते हैं या नहीं। तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, वाइल ऑडिटिंग अपना बैंक, ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वाइल ऑडिटिंग अपना बैंक यू ऑब्जर्व दैट अ लमसम अमाउंट हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कलेक्टिवली। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड बाय द मैनेजमेंट टू गाइड देम अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ फॉर बैंक्स। फॉर बैंक ज़रूर देखना, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ का डिस्क्लोजर अलग है। तो ये बैंक ज़रूर देख लेना, हम बैंक का याद कर रहे हैं। काइंडली गाइड, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्टिजेंटली लाइबल्स फॉर बैंक, लाइबिलिटीज़ फॉर बैंक। तो देख लेते हैं हम लोग, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, द थर्ड शेड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट। ये एक हमारी
जेनेरिक लाइन होगी, थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और हमें बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखानी होती है। अब हम छः के छः पॉइंट्स देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या था हमारा अकॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ए से क्या था हमारा, अगर आप फिफ्थ पॉइंट देखोगे तो एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस, ये हो गया हमारा ए। सी से आ जाते हैं हम लोग, पहला पॉइंट है क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट। जी से आ जाते हैं हम लोग गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया, अगर आपने गारंटी दी आप कॉन्टिजेंटली लाइबल हो गए उसके लिए। अ सी जी हो गया। एल से दो पॉइंट है, पहला एल लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। अ सी जी एल दो हो गए, एल से दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारा देखोगे लास्ट पॉइंट अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिजेंटली लाइबल, ये इसी के साथ हमारे छः पॉइंट्स कवर होते हैं और ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। तो ये हमारा फिफ्थ निमोनिक है ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज का, रेस्ट ऑफ द फोर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सारे देख सकते हो और कॉमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।